बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर तीर्थ के मंच से पूर्व मंत्री एवं विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की परिकल्पना की खूब तारीफ की। साथ ही कहा, हरिहर तीर्थ बनेगा तो समूचा मध्य प्रदेश राममय दिखाई पड़ेगा। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में ग्राम बंजारी स्थित राम राजा पहाड़ विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाने जा रहा है। यहां हरिहर तीर्थ का निर्माण हो रहा है, जिसका भूमि पूजन हुआ। इस दौरान बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि हरिहर तीर्थ में चारों धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, भगवान परशुराम की 108 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा नदी किनारे, निषाद राज की धातु की प्रतिमा की स्थापना, शबरी माता का मंदिर निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण, नौ देवियों की मूर्ति स्थापना, भारत माता का मंदिर सहित देश विदेश में स्थित दिव्य देवालय को भी स्थान पर हरिहर तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में समूचे भारत के लिए यहाँ का गौरव है, पूरी दुनिया का गौरव है कि हम सबको परमात्मा ने एक ऐसी विरासत, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी निधि, एक ऐसा कोहिनूर परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के रूप में दिया है कि आज हम लोग उनके काल में जी रहे हैं। कभी ये हम लोग चर्चा करेंगे कि परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सदियों तक, पीढ़ियों तक चर्चा चलेगी। और जब हरिहर तीर्थ बनेगा तो हमारे गुरु भाई पाठक जी के साथ साथ गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये समूचा मध्य प्रदेश भी राममय दिखाई पड़ेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।